अज बठिंडा विच पंजाब ड्यूटी मुलाजम कंसोसिएशन सांझे फ्रंट के वलों एक विशाल रैली की गई है। साढ़े नाल इन्हां दे प्रधान नाल ने की मुद्दे ने किस मुद्दों को लैके प्रधान जी गल करिए किस मुद्दों को लैके जिला अज तुहाडे वलों जिला एडा बड़ा जिला उपराला जिला किया जा रहा है। मैं सतीश राणा कन्वीनर काम कोआर्डीनेटर पंजाब ड्यूटी मुलाजम कंसोसिएशन सांझा फंड असीं जी पंजाब न्यूज़ दे तरवादी जिहड़ी साडी लगातार तुसीं कवरेज कर रहे हो अज असीं जिहड़ी रैली कर रहे हैं इसे पिछले लंबे समय को असीं पंजाब ड्यूटी के मुलाजम पैसे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 16 अक्टूबर तो पक्का मोर्चा असीं मुख्यमंत्री दे हल्के मिंडा दे विच लाके बैठे हैं ते अज दी रैली इस करके की जा रही है कि जो सरकार ने साडा मीटिंग कीते सी जो वादे कीते सी वह सिर्फ अंशक प्राप्तियां साडियां होंदियां बाकी सरकार मंगा तो टाला वट रही है। सरकार कह रही सी कि असीं हर तरह के कच्चे मुलाजम पक्के करांगे पर अज सरकार कह रही है असीं 36,000 मुलाजम पक्का करांगे पर अलावा 1.25 लाख मुलाजम जिहड़ा आउटसोर्सिंग का है सोसायटियां का है वो माण पत्ते वाले इंसेंटिव वाले है वो सारा इन्वेस्टमेंट वाले सारे उन्हें बाहर रख देते हैं तो 10 साल की कमीशन लाती ये 2-3 हज़ार तो बाद जो मुलाजम पक्का नहीं होना। दूजा पे कमीशन के अंदर जोड़ा पेंशन का पे कमीशन नोटिस जारी किया उन्होंने कोई ग्राहक नहीं दिता गया उन्होंने सिर्फ जरा 15% का लाभ दिता गया वो भी 113% के उत्ते सिर्फ 2.48 का ग्राहक उन्होंने बढ़ता है जोड़ा मुलाजमान जोड़े मुलाजम पिछले 11 के पार्शली रिवाइज हुए थे अनरवाइज से उन्होंने बेल चाबी है 115% जो 15% दिता 125% DAT सरकार दे ही रही है महंगाई पत्ता सरकार कह रही थी असी आ 1 जुलाई तो देवे बड़े बड़े इश्तहार दे रहे थे पर दिता सू जाके 1 नवंबर तो जाके दिता हाँ भी 3% सा महंगाई पत्ता ड्यू खड़ा है माण पत्ता इंसेंटिव वाले मुलाजमान जीवन जो कि पैसे नहीं मिलते हैं पुरानी पेंशन जिते कारपोरेट बोर्ड के मुलाजमान पहले नहीं मिलती है जिहड़ी इन्होंने कृषार तो बंद की है वो सरकार बहाल नहीं कर रही है पार्क आ जरा 3 साल की कमीशन ला रही सरकार मुझे उन्होंने पूरी तनखा दे के घट पैसे उन्होंने शोषण किया जा रहा है। ये 17 जुलाई 2016 तो 20 तो जरा पत्र जारी किया केंद्र ने फिर जोड़ दिए गए हैं पूरा सारे इन्हें विरोध करते हैं इस करके असी अज जी रैली करने तो बाद असी मार्च करा इन्होंने कोठी पर मार्च करा जी हाईवे जाम करा वो तो अलावा असी फैसला कर लिया है भाई मुख्यमंत्री के हल्के अंदर अभी घर घर जावे झंडा मार्च करा जे पुरानी गल करिए नौकरियों की गल करिए तो सरकार 4.5 साल हो गए जो सूबा के बड़े बड़े मेगा कैंप लाए भी असी जो बेरोजगारी कटती है नौकरियां दती गई है वो परनाला सरकार का उतो तो उतो ही है नौकरी दती नहीं इस बारे की कहने देखो सरकार का इस वे जरा चेहरा बड़ा माड़ा चेहरा है सरकार का लोगों सामने है सरकार ने एक नवा चेहरा लिया मुख्यमंत्री का वो इस करके लिया भी पहला चेहरा जो धुंधला पै गया सगा पर असं ये समझने भी चेहरा बदलना सरकार की नीतियां नहीं बदलियां जिहड़ियां सरकार दियां नीतियां है वो नौकरियां खाण वाली नीतियां नौकरियां देण वाली नीतियां नहीं है क्योंकि जो तुम डिसइनवैसमेंट करते हो जो तुम आउटसोर्सिंग लिया हो तो लाजमी तौर पर पब्लिक सैक्टर के अदारे सरकार खत्म कर रही है जो पब्लिक सैक्टर के अदारे खत्म हो रोजगार लोगों को कितों मिलना है एक करके लोड़ है अब सरकारी अदारे कायम रखने की आज सामने कोरोना के काल के लोगों जो एमरजेंसी पई है कोरोना पीरियड लोग रख रहे हैं मुलाजम रख रहे हैं उन्होंने कोरोना योद्धे कह रहे थे जो कोरोना का होगा माड़ा कटिया सड़क के लोग फिर तोड़ देते हैं एक सरकार लोगों का रुजगार खो रही है सरकार रुजगार दे नहीं रही जिदे करके लोग आत्महत्यावान कर रहे हैं टैंकियों में चढ़े हैं लोग नहरा छाला मार रहे हैं ये लोगों की त्रास भी अज इस करके अभी ये समझने हैं ये कोई सुसाइड करना हल नहीं ये सरकार के गल पै के ही सरकार तो मंगा बनाई जा सकती हैं लोगों की ताकत है जो सरकार मौड़ा दे सकती है तुम सरकार से गल पैंते गल कर गल पै के जी मंगा जी मंगिया जा सदियाँ क्या समा बड़ा घट रह गया सरकार को इस तो बाद की करेगी सरकार अगला स्टेप की होगा देखो साडा युद्ध कोई युद्ध दिहाड़ी लगता नहीं है असं सारे लुटेरिया से लड़ा है सरकार चलूंगी होर सरकार आ जाऊंगी वह लड़ांगे क्या लड़ाई लंबी लड़ाई है लड़ाई पोलसियों की लड़ाई है जो पोलसियों बदलाना हो लड़ाइया लंबिया चल रही इस करके लड़ाई साड़ी इस सरकार ने भी रहूंगी तो आने वाली सरकार जी आऊंगी उन्हें भी लड़ाई रहूंगी लड़ाई लंबी लड़ाई चलूंगी साड़ी इन्हों का कहना है कि आने वाली सरकार वे जो है उस भी जिला लड़ाइया जो लंबिया रहनगियां संघर्ष अभी लड़ते रहेंगे। मैं सुखमंदर सिंह ते पंजाब न्यूज़ बठिंडा।